हेलो दोस्तों नमस्कार मैं गिरीश डहड़िया फिर से स्वागत करता हूं आपका एस एस सी जी एल निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार जानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चलिए जैसा कि आपको पता है हम लोग यहां एस एस सी की बुक डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके पास पूरा चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है और हमारा टॉपिक अभी टाइम एंड वर्क इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बेसिक इसका डिस्कस कर रखे हैं चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए क्या बोल रहे हैं एग्जाम ने

मिल रहे हैं और आप देखो फिर से एक क्वेश्चन और आ गया किसका अल्टरनेट डेज का देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ही लिया था ये बोल रहा है ए किसी कार को क्रमशहत तो बताइए ए हम यहाँ से लिखते हैं देखिए ए किसी कार को अठारह दिनों में करता है और बी किसी कार को बारह दिनों में कर रहा है क्लियर है क्या सबसे पहले के ले लीजिए एल्सियम कितना आएगा बताओ छत्तीस अठारह दूनी छत्तीस और बारह तिया छत्तीस तो आपको पता है ये होता है दोस्तों टोटल वर्क ये होता है एफिशिएंसी यहाँ तक कोई डाउट और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है चलिए अब बोल रहा काम पूरा होने तक वे बारी बारी से काम करते मतलब अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं ये बिल्कुल आपको पता चल गया ठीक है भाई है ना अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं एक एक दिन काम करते हैं एक एक दिन काम करते हैं मतलब और आसान हो गया क्वेश्चन है ना तो बोल रहा है पहले दिन आपको पता है यहाँ अगर हम डेज लिखें और यहाँ अगर हम एफिशिएंसी लिखें तो पहले दिन जो पहला दिन आएगा वो कौन काम करेगा ए दूसरा दिन करेगा बी फिर तीसरा दिन करेगा ए फिर चौथा दिन करेगा बी ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी ठीक है कब तक चलते रहेगी जब तक कि आपका पूरा कार्य पूरा ना हो जाए ठीक है आई बात समझ में ए के एफेंसी दो है बी के एफशियंसी तीन है ए के एफेंसी दो है बी के एफेंसी तीन है ये डेज है ये आपके एफिशिएंसी क्लियर है क्या आप बोलोगे सर बढ़िया बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से आपको ये समझ में आए कि दो दिनों में कितना काम हो रहा है बोले दो और तीन मिलकर कितना काम हो गया पांच काम आपका हो गया नहीं क्या बोलो तो कि सही बात है तो वो यही तो बोल रहे हैं कि का पहला और स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत कौन कर शुरुआत कर रहा है कौन आपका ए स्टार्ट कर रहा है इसलिए हमने ए को पहले, पहले लिखा है ठीक है ए को पहले लिखा है ठीक है तो बोल रहा है ए शुरू कार कर, करता है तो ए और बी कितना समय लेंगे तो बस क्वेश्चन खत्म आपका दोस्तों यहीं तक आपका क्वेश्चन जो था वो था उसके बाद तो क्वेश्चन आपका बन ही जाना है देखिए अब आपको एक चीज पता है वो क्या बात की दो दिन में कितना काम हो रहा है तो आप बोलोगे सर टू डेज में जो वर्क हो रहा है ना कितना काम हो रहा है बोलोगे पांच वर्क हो रहा है टू डेज में कितना काम हो रहा है पांच ठीक है और आपको करना कितना बताइए छत्तीस तो आपको पता है पांच से अगर आप मल्टीपल देखोगे तो कितने स्लॉट हो जाएंगे सात स्लॉट हो जाएंगे पना सत्ता पैंतीस तो आप बोलोगे सर मुझे सात स्लॉट हो सात स्लॉट ना ये पहला स्लॉट हो गया दूसरा ऐसे करते करते सात स्लॉट और बाद में फिर और चलेगा ठीक है तो सात स्लॉट हो गए भाई मतलब कितना थर्टी फाइव आपका वर्क हो चुका है अब साठ स्लॉट मतलब समझ सकते हैं ये दो स्लॉट का है दो टू डेज का स्लॉट टू डेज का स्लॉट ऐसे करके कितने स्लॉट हो गए सात तो यहाँ भी हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं सात में तो फोर्टीन डेज में जो आपका काम बना है भाई कितना बना है थर्टी फाइव वर्क बना है क्लियर है क्या अब देखिए यहाँ से जो फिफ्टीन डेज काम करने आएगा मतलब एक स्लॉट खत्म होने के बाद कौन आएगा फिर से ए ही आता है और ए कितना काम करेगा बताओ दो काम करेगा ए कितना काम करेगा दो काम करेगा तो आप बोलोगे सर अगर दो काम करेगा और यहाँ से हमें एक चीज पता है और वो क्या बात है कि रिमेनिंग वर्क तो कितना बचा टोटल काम छत्तीस है रिमेनिंग काम आपका बचा है वर्क रिमेनिंग काम कितना बचा है आपका वन बचा है और फिफ्टीन अगर आया काम करने तो फिफ्टीन काम कितना करेगा बताओ फिफ्टीन मतलब अगर आपका फिफ्टीन डेज में फिर से एक काम करने आया तो दो काम करेगा पर दो काम तो कराना नहीं है तो जो आंसर आएगा कितना आएगा देखो आंसर होगा आपका फोर्टीन तो होगा होगा रिमेनिंग वर्क कितना था बताओ एक और एक ही जो आएगा उसकी ऑप्शन कितनी बोलोगे दो यही आपका राइट आंसर है तो कितना जाएगा बताओ फोर्टीन पॉइंट फाइव डेज में आपका कार्य पूरा हो जाएगा ऑप्शन है कहीं बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर तो देखिए ये अल्टरनेट डेज वाले कांसेप्ट हैं अगर आप इसका बेसिक समझते हैं जो मैंने आपको सबसे बेसिक में बताया था स्टार्टिंग में तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ आराम से बन जाएंगे दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्या बोल रहा है एग्जाम ना इफ 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज इन हाउ मेनी डेज थर्टी टू वन विल कम्प्लीट द सेम वर्क आप बोलोगे सर बढ़िया बात है यदि चौबीस महिलाएं एक कार को सोलह दिनों में करती हैं भाई चौबीस वुमेन एक कार को कितने दिनों में करती हैं बताइए डेज में करती हैं तो आपको पता है कि मैन इंटू डेज इक्वल टू क्या होता है टोटल वर्क और बोल रहे हैं बत्तीस महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो गया कैसे आपको पता है कि वर्क बराबर वर्क वन बराबर वर्क टू काम आपका एक ही है ठीक है तो आप बोलोगे सर मैन इंटू डेज इज क्या होता है वर्क कर कर क्या क्या होता वर्क यहां, M1, D1, M2, D2 कर लो. क्लियर है 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 लो चलिए बोल रहा महिलाएं महिलाएं भाई एक कार को कर रही हैं सोलह दिनों में ठीक है तो महिलाएं उसी कार को देखो उसी कार को बोला है तो बत्तीस महिलाएं उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेंगी क्लियर है क्या चलिए भाई तो सोलह दुनिया बत्तीस सॉरी हो जाएगा ट्वेल्व तो आप बोलोगे सर बारह दिनों में पूरा करेंगी बताइए किसी को भी डाउट समस्या कुछ है क्या बोलोगे नहीं क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्लियर है क्या क्या बताओ आई बात समझ में बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर की बोल रहा है कि ए एंड आर टू टाइपिस्ट वन आफ्टरनून देर ईज गिवन एटी पेजेस फॉर टाइपिंग द वर्क इक्वली

इतने मिले अस्सी प्लेस दिए गए उन्होंने कार को समान रूप से विभाजित कर लिया मतलब देखो मिले तो उन्हें अस्सी पेज थे टाइपिंग करने के लिए पर उन्हें क्या काम करा हम यहाँ पे ए को माने यहाँ को बी को माने तो इन्हें ने भी चालीस पेज और बी ने भी चालीस पेज आपका आधा दे बांट ली ठीक है भाई लेकिन बी ने ए से चालीस मिनट पहले समाप्त कर लिया ठीक है बी ने ए से चालीस मिनट पहले समाप्त कर लिया ठीक है उसी कार के लिए उसे चार घंटे का समय लिया गया था मतलब समझिए कि जिसके लिए उसे चार घंटे का समय तो मतलब ए ने ए को कितना मिला बताओ फोर आवर ए को कितना मिला फोर आवर और बी को चार घंटे कम मतलब कितना तीन बज के बीस मिनट तीन बज के बीस मिनट को आप लिख सकते हो बीस बटे साठ तो बीस तिया साठ मतलब तीन से ही एक बटे तीन घंटे लिख सकते हो तीन तय दस बटे तीन घंटे ठीक है भाई यहाँ तक समझ में आए चलिए अब देखो यहाँ से यहां से बताओ क्या आप निकाल सकते हो इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल निकाल पाओगे अगर हम ए के की बात करें पेज कितने थे बताओ चालीस करा उन कितने चार घंटे में तो कितने दस पेज पर आवर किया उनने ठीक है अगर आप बी की क्षमता की बात करो तो देखो टोटल पेज कितने थे चालीस और करा कितने में दस बटे तीन तो कितना हो गया बारह पेज पर आवर क्लियर है ये उनकी निकल गई दोस्तों क्षमता ठीक है निकल गई उनकी क्लियर है क्या अब बताओ निकला निकला बिल्कुल अब क्या बोल रहा है दोपहर फिर से टाइप करने के लिए 121 तो 121 121 वन ट्वेंटी तो तो अब टोटल एफिसंसी कितनी होगी देखो इनकी 22 कितनी होगी दोस्तों बाईस नहीं हुई बिल्कुल है. तो आपसे क्या पूछा है हालांकि इस बार उन्होंने कार को इस तरह विभाजित किया करने का फैसला किया कि भाई एक साथ टाइपिंग समाप्त कर ले ठीक है एक को कितने प्रश्न टाइप करने होंगे आपसे ये पूछा है ठीक है भाई तो ये पहले आप निकाल लो कितना इसका हो जाएगा तो आप देखो यहाँ से कितना होगा तो 22 अगर आप इसको डिवाइड करो टोटल 121 सौ प्रश्न थे आपके कितने थे 121 सौ प्रश्न देखो 11 दूनी बाईस ग्यारह एकम ग्यारह फिर ग्यारह एकम ग्यारह तो ग्यारह बटे दो कितना लग रहा टाइम ग्यारह बटे दो और आप देखो यहाँ पे ए को निकालना है तो ग्यारह बटे दो लग रहा है और ए का कितना है भाई दस तो ग्यारह बटे दो तो ए को टाइम निकालना है तो दस इंटू में ग्यारह बटे दो दो पाँच दस कितना लगेगा फिफ्टी फाइव यही फिफ्टी फाइव पेजेस कितना फिफ्टी फाइव पेजेस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा दोस्तों राइट आंसर बताइए समझ में आया कि नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है देखिए ए और बी दो टाइपिस्ट हैं एक दिन दोपहर में उनमें उन से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए अस्सी प्रश्न मिले ठीक है भाई उन्होंने कार को समान रूप से विभाजित किया तो हमने बोला कि भाई अस्सी पेज उसको मिला था टारगेट उन्होंने चालीस चालीस पेज बांट ली ठीक है आप बोलोगे सर बढ़िया बात है आप बोल रहे हो लेकिन बी ने ए से चालीस मिनट पहले समाप्त कर लिया तो बी ने ए से चालीस मिनट पहले समाप्त कर लिया फिर उसने बताया कि ए को मिला चार घंटा देखो ए को चार घंटे हैं तो बी को कितने मिलेंगे चालीस मिनट पहले तो तीन घंटे बीस मिनट मतलब दस बटे तीन आवर ठीक है भाई यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया बात फिर क्या बोल रहा है देखिए यहाँ से आप एफिशिएंसी निक, निकाल सकते हो तो कैसे निकलेगी एक एफिशिएंसी वर्क अपॉन में टाइम तो ये हो जाएगा दस पेज पर आवर ये हो जाएगा आपका चालीस दस बटे तीन मतलब बारह पेज पर आवर क्लियर है क्या आप बोलोगे बढ़िया बात है सर अब यहाँ से क्या बोल रहा है एक नया उनको काम मिला एक सौ तो इक्कीस पेस्ट उनको करना दोनों को तो कितना करेंगे बताओ दोनों मिलकर ग्यारह बटे दो अवर में फिर आपसे बोल रहा है कि अगर ए अकेला करता है तो ग्यारह बटे दो अवर में अगर ए अकेला करता है तो एक ही एप्सेंसी कितनी दस दस इंटू ग्यारह बटे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव पेज यही आपका राइट आंसर अब समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से देखिए अखिल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज साक्षी एंड अखिल बोथ कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज दे स्टार्टेड टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच निखिल अखिल सॉरी अखिल विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अखिल एक कार को छब्बीस में पूरा करता है अखिल है एक जो है आपका एक कार को कितने दिन में में कर रहा डेज ठीक है भाई और क्या बोल रहे साक्षी और अखिल दोनों मिलके तो साक्षी और अखिल साक्षी और अखिल दोनों मिलकर कार को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई ट्वेंटी डेज में सबसे पहले तो एल्शियम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा बताओ एल्सियम कितना होगा दोस्तों तेरह दुनिक छब्बीस तो छब्बीस 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 दो सौ साठ या तेरह एक सौ तीस कर सकते हैं कितना कर सकते हैं एक सौ तीस नहीं दो सौ साठ ही आएगा तेरह दिन छब्बीस कितना जाएगा दो सौ साठ छब्बीस से दस बार चल जाएगा ये और इससे कितने बार जाएगा तेरह बार ठीक नहीं है बढ़िया अब यहाँ से क्या बोल रहा है अखिल और साक्षी बीस दिन में कर सकते हैं ठीक है भाई अब देखो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन छः दिन के बाद साक्षी काम छोड़ गए तो एक साथ काम चालू किया और छह दिन के बाद मतलब छह दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया तो कितना दसों तीन तेरह तेईस इंटू छः दिन ठीक है एक वर्ग कितना वर्ग भाई एक वर्ग दोनों ने मिलकर साथ काम किया साक्षी और अखिल ने क्लियर है क्या आगे बात समझो नहीं नहीं इतना नहीं आएगा सॉरी सॉरी एक मिनट रुकिएगा दोस्तों साक्षी अखिल का कितना है तेरह यहाँ से पता चला कि अखिल की एफसेंसी है दस और साक्षी की कितनी है तीन क्लियर है क्या अब देखिए तो देखिए क्या बोल रहा है लेकिन साक्षी ने छः दिन काम किया उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन साक्षी ने छह दिन के बाद काम छोड़ा तो था एक साथ काम कर रहे थे एक साथ काम करते कितना तेरा। तेरा ठीक है 78. तो दो सौ साठ से आपने घटा दिया जो टोटल वर्क आपका दो सौ साठ से सा कितना घटा है सेवनटी एट रिमेनिंग कितना बचा बताओ तो रिमेनिंग बचा दो सौ दस में साठ गए दो यहाँ बचा पंद्रह में सात गए आठ एक सौ बयासी वर्क आपका रिमेनिंग बचा फिर क्या बोल रहा है दिनों की संख्या ज्ञात करो जिसमें अखिल को पूरा करेगा तो अखिल का अगर हमें निकालना है तो अखिल का निकालना तो एक सौ बयासी और अखिल के ऑप्शन है दस तो कितना जाएगा बताओ अठारह दशमलव दो तो इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ दो पाँच 10 दस दो नम अठारह दो एक दो इक्यानवे बटे पाँच अब बताओ सही है क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर ठीक है आए कि नहीं आया बिल्कुल आया होगा भाई चलिए देखिए ए बी एंड सी टुगेदर कैन ऑफ डेज इनगेटली आपको ए बी सी मिलकर एक कार को चालीस बटे तीन दिन में करते हैं चालीस बटे तीन दिन में करते हैं ठीक है चालीस बटे तीन दिन में कर रहे हैं तीनों ने मिलकर इस पर कार करना शुरू किया और पांच दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया कौन छोड़ दिया भाई ए काम छोड़ दिया फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को सत्रह दिनों में पूरा किया शेष काम को बी और सी ने बी और सी ने शेष काम को सेवनटीन डेज में पूरा किया तो दिनों की संख्या बताओ देखो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको करना क्या होगा दोस्तों आपको यह करना होगा कि ए बी सी ने मिलकर एक कार को चालीस बटे तीन दिन में किया आप देखिए शेष काम देखिए आप किसका शेष काम देखिए ए का भाई ए बी सी ने मिलकर एक कार को चालीस बटे तीन दिन में काम किया तीनों ने एक साथ काम तो शुरू किया लेकिन पाँच दिनों के बाद कौन चल ए काम छोड़ के चला गया तो ए ने कितने दिन का काम छोड़ा पाँच दिन का तो आप बोलोग ए का शेष काम कितना होगा तो आप बोलोगे सर ए का शेष काम आप बोलोगे चालीस बटे तीन माइनस में पाँच कितना जाएगा पाँच थी पंद्रह मतलब पच्चीस बटे तीन ठीक है ये हो गया ए का शेष काम ठीक है भाई आगे बात समझ में और देखो फिर बी और सी द्वारा ने मिलकर शेष काम को सत्रह दिन में पूरा किया मतलब कितना एक्स्ट्रा किया तो आप बोलोगे सत्रह तो ये था और पाँच वो था बाईस कितना था 22 ठीक है 22 काम था तो आप बोलोगे बी और सी ने तो बी और सी का अगर आप देखोगे तो 22 काम जो था आपका 40 तीन से अगर आप 22 काम घटाओगे तो कितना हो जाएगा या 22 से अगर आप 40 तीन घटाओगे तो अतिरिक्त समय कितना था आपका 5 है ना तो 22 3 66 66 में से 40 अगर आप घटाओगे तो 6 22 में से 40/3 है ना ठीक है तो कितना घटाओगे छियासठ में से छियासठ में से घटाओ तो छब्बीस छब्बीस बटे तीन कितना हो जाएगा छब्बीस बटे तीन ठीक है अब देखो इनको कर लो बराबर आप बोलोगे कि ए का अतिरिक्त काम कितना है पच्चीस बटे तीन और बी प्लस सी का अतिरिक्त काम कितना है तो आप बोलोगे छब्बीस बटे तीन यहाँ तीन से तीन गया तो ए और बी प्लस सी की क्या आ जाएगी बताओ यहाँ से एफिसियंसी कितना हो गया बताओ छब्बीस बटे पच्चीस आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा ठीक चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको हमने एक्स्ट्रा डेज मतलब एक का हमने यहाँ पे शेष काम को एक कर दिया है अभी ठीक है ठीक अब देखो यहाँ से अब इस क्वेश्चन को आगे देखो तो क्या बोल रहा है बताइए यहाँ से आप टोटल वर्क की अगर बात करें तो आपको एक चीज पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ने काम को चालीस बटे तीन दिन में किया था मतलब चालीस बटे तीन तो आपके दिन हो गए अगर इनकी हमें क्षमता मिल जाए क्या मिल जाए एफिशिएंसी एफिशिएंसी देखो कहीं दिख रही है इन दोनों की एफिशिएंसी देखो छः और पाँच ग्यारह मतलब फिफ्टी वन हो गई

इसको काटोगे तो सत्रह या इक्यावन सत्रह दूनी चौंतीस तीन सौ चालीस बटे तेरह ठीक है भाई आप देखो तेरह दूनी छब्बीस तेरह दूनी छब्बीस और चौंतीस आपका छः और चार चार आठ अस्सी तेरह छिंग अठहत्तर लगभग ट्वेंटी सिक्स आपका राइट आंसर आएगा ठीक है भाई ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बढ़िया क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था इसको आप बोल सकते हैं कि जीडी लेवल का नहीं था भाई ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था ठीक है पर हम लोगों ने बड़े अच्छे समझे इसको आपको एक्स्ट्रा डेज ये हमने जो करें यहाँ पे A को ही बराबर करें क्या करें a के ही बराबर सारे दिन ठीक है भाई समझ में होगा इतने वर्क इन थर्टी डेज दे वर्क टूगेदर फॉर ट्वेंटी डेज एंड देन बी लेफ्ट आफ्टर ट्वेंटी डेज ए फिनिश द रिंग वर्क इन हाउ मैनी डेज कैन एलोन फिनिश द वर्क ठीक है भाई ए और भी मिलकर एक कार को थर्टी डेज में करते हैं बोल रहा है ए और बी मिलकर एक कार को थर्टी डेज में कर रहे हैं बढ़िया है बात है उन्होंने बीस दिन तक साथ काम किया मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम साथ किया बताओ बीस दिन ठीक है उसके बाद फिर बी चला गया तो फिर बच्चा कौन बताओ ए चला गया ये बच्चा तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया फिर बीस दिन आपका काम किया अकेले पूरे कार को कितने दिनों में कर सकता है देखो यहाँ पे तो ना आपके पास टोटल वर्क है ना ही इनकी एफिशिएंसी तो तो निकालना पड़ेगा पहले क्या निकालना कि अगर ए की मान लें और बी के एफिशिएंसी को हम क्या मान लें बी ही मान लें तो टोटल वर्क होता है। क्या होता है आपको पता है ये गए आपके क्या बी मिलकर किसी कार को कितने दिन में किया तीस दिन में क्या होगा बताओ टोटल वर्क ये क्या हो गया दोस्तों आपका टोटल वर्क हो गया नहीं हो गया बिल्कुल हो गया ठीक है और अब इसी काम की बात चल रही है कि ए और बी कितने दिन काम करते हैं बीस दिन काम करते हैं ठीक बीस दिन काम करते हैं अगली बात समझ में और प्लस में यही जो है आपका बीस दिन फिर उसको अकेले काम करता है क्लियर है क्या आगे बात समझ में आप बोलोगे बढ़िया बात है सर अब इसके बाद देखो <coughs> हमने टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दिया भाई ये कितना हो जाएगा तीस ए प्लस में तीस बी इज इक्वल टू बीस ए प्लस में बीस बी और प्लस में बीस ए क्लियर है क्या और बीस और बीस से मिलकर कितना हो गया चालीस ए कितना हो गया दोस्तों ये चालीस ए ए हो गया आपका चालीस ए क्लियर है क्या आगे बात समझ में बताओ अब बोलोगी बढ़िया है देखो यहाँ से ए को इधर पहुँचाओ तो कितना हो गया ये दस ए हो गया और यहाँ इसको पहुंचाओ तो कितना हो गया दस बी हो गया तो बताओ ए अपॉन बी कितना आ गया तो बोलोगे सर एक अनुपात एक आ गया क्या बताओ इतना क्वेश्चन समझ में आया अब बोलोगे बढ़िया है इतना तो समझ में आ गया ठीक है ये तो आपको पता है टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दिए तो ए और बी की टोटल वर्क निकाल सकते हो बिल्कुल आप, तो आप बोलोगे बताइए सिक्सटी तो ये हो गया आपका टोटल वर्क अब आप आपको निकालना क्या है बोल रहा है ए अकेला अगर पूरा काम करता तो कितने दिनों में करता तो ए की से आपको अभी पता है कितनी बन ए कितने दिनों में करता था आप बोलते साठ अपॉन में बन सिक्सटी डेज में काम ए कर लेता

तो कितना हो गया बारह दुनी चौबीस आठ दिए चौबीस बारह दुनी चौबीस क्लियर है क्या क्या बोलोगे बढ़िया बात फिर बोल रहा दो दिन अकेले कार करने के बाद आदित्य कार छोड़ के चला गया तो आदित्य का दो दिन का काम देख लो आदित्य ने दो दिन अगर काम किया दो दिन अकेले कार करने के बाद आदित्य कार छोड़ के चल जाता है आदित्य का, का काम देख लो दो दिन, का। दो, दिन का। दो दिन का दो दिन कितना हो गया बताओ चार काम चार काम घटा दो शेष काम कितना बचा बताओ तो आप बोलोगे सर शेष काम बच गया हमारे पास बीस आई बात समझ में फिर क्या बोल रहा है शेष कार को अरुण कितने दिन करेगा तो अरुण का निकाल लो बोलोगे बीस बटे तीन यही आपका राइट आंसर है खत्म क्वेश्चन छह सही ही दो बटे तीन यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसको करोगे तो छह सही ही दो बटे तीन आपका नहीं आएगा क्या बिल्कुल आएगा आसान क्वेश्चन था चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यस कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन फोर्टी डेज एंड नमन कैन डू द सेम वर्क इन थर्टी डेज सौरभ कैन डू द सेम वर्क इन सेवन डेज फाइन द टोटल थर्ड अगेन यस वर्क टू द फोर्थ डे एंड सो ऑन बोल रहा है yes, यस एक काम को उनचास दिन में सबसे पहले एक चीज समझिए कि फोर्टी नाइन थर्टी फाइव और सात इनका क्या निकालना पड़ेगा एलसीय ठीक है आप सबको पता देखो उनचास कितना होता है तो आप बोलोगे सर सात से उनचास सात की पावर दो पैंतीस होता आपका सता अपना पैंतीस होता नहीं होता बिल्कुल होता है और एक है आपका सात तो कोई दिक्कत नहीं तो बताओ क्या आएगा सात की पावर दो इंटू अ पाँच तो बताओ एल्स तो बहुत आसान था आपका दिक्कत नहीं है डायरेक्ट देख के ही निकाल सकते हैं आप ठीक है भाई वहां सात कॉमन था यहाँ पांच बस बचा था यहाँ सात का स्क्वयर दो था सात का स्क्वर दो इंटू पाँच ही होगा तो कितना होगा उनचास इंटू पाँच कितना होगा उनचास इंटू पाँच कितना होता है वो दो सौ पैतालीस पांच में चार पंचो को बीसो चार, चार, चार चौबीस दो सौ पैंतालीस है ना देखते से आप आंसर बता सकते हैं कितना है दो सौ पैतालीस तो भाई आपने लिखा है यस और कौन है देखो इसका यहाँ निकाल लेते हैं आपने लिखा है यस और कौन है भाई यस के बाद अमन और कौन है सौरभ इसने है उनचास इसका लिखा पैतीस इसका लिखा सात आपको पता है कितना है टोटल वर्क दो सौ पैंतालीस आपको पता है और वो कितना आता है सात का स्क्वायर इंटू में कितना आता है पांच जिसको अभी ऐसे लिखो सात का स्क्वायर इंटू पांच जा आपको अच्छे से निकालते बने देखो सात का स्क्वायर इंटू पांच मतलब कितना बज गया बताओ पांच बज गया यहाँ पे पैंतीस तो सतापना पैतीस बजा कितना बताओ सात और यहाँ कितना बजेगा सात से सात गए तो सतापना पैंतीस क्लियर है क्या आगे बात समझ में चलिए तो ये हो गई एफिशिएंसी अब क्या बोल रहा है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन करके एक प्रकार काम करते तो पहले दिन यस काम करने जाता तो पहले दिन कौन गया बताओ यस फिर उसके बाद कौन गया पहले दिन के बाद नमन फिर कौन काम करने गया बताओ तो बोलेगा सौरभ ठीक है चलिए फिर से चौथे दिन यश चला गया मतलब काम आपका शुरुआत हो रहा है काम की शुरुआत यस कर रहा है तो बताओ यस इसके ऑप्शन से कितनी है पाँच इसकी कितनी सात और इसकी कितनी है? थर्टी फाइव तो बताओ टोटल थ्री डेज में कितने दिन दोस्तों तीन दिनों दिन में कितना काम हुआ तो आप बोलोगे सात पाँच बारह और पाँच दो सात तीन चार सैंतालीस काम आपका हुआ कितना काम हुआ तीन दिन में सैंतालीस काम ठीक है आपको टोटल काम कितना करना है दो सौ पैंतालीस कितना काम करना है टोटल वर्क दो सौ पैंतालीस तो दो सौ सैंतालीस काम आपका तीन दिन में हुआ है ठीक चलिए तो बताओ कितना होगा आपको आप बोलोगे सर फोर्टी सेवन तो आप यहाँ पे लिखोगे देखो ये तो आपका अलग हो अलग से अलग होगा इसको तो अलग पैक कर दो ठीक है और ये भी आपका अलग से अलग है तो इसको भी अलग से अलग पैक कर दो अब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा जगह आपको पता फोर्टी सेवन का, का मल्टीप्लाई अगर हम दो सौ पैंतालीस के लिए करें तो कितना बार जाएगा लगभग लगभग बताओ इसको लग बार चार बार जाएगा कितने बार जाएगा चार बार <coughs> चार बार नहीं पांच बार चल जाएगा तो पांच बार अगर मल्टीप्लाई करते हो आप 47 का तो 47 का अगर आपने पांच बार मल्टीप्लाई कितना का मन पैंतीस का पांच बीच तीन पंचो के बीच तीन तेईस दो सौ पैतीस इसका भी पाँच बार कर लो पाँच स्टॉट होगा मतलब पाँच दिए पंद्रह दिन पंद्रह दिन में दोस्तों काम कितना हुआ बताओ दो सौ पैंतीस पंद्रह दिन में काम कितना हुआ दो सौ पैंतीस काम करना करता है दो सौ पैंतालीस दस काम आपका भी रिमेनिंग बचा है ठीक है तो देखो इसके बाद पंद्रह दिन मतलब अब उसके बाद सोलहवें दिन काम करने के लिए कौन आएगा तो सोलहवें दिन काम करने के लिए फिर से ऐसा आएगा यस कितना काम करेगा पाँच काम तो कितना काम हो जाएगा दो ठीक है भाई बढ़िया बात फिर उसके बाद सत्रहवें दिन काम करने कौन आएगा नमन काम करने आएगा नमन काम करने आएगा तो काम कितना दो सौ सैतालीस हो जाएगा पर काम कितना करना है दो सौ पैंतालीस तो बताओ काम दो सौ पैतालीस रिमेनिंग वर्क देख लो यहाँ से तो जो काम होगा सोलह दिन प्लस में होगा तो रिमेनिंग वर्क आपका बचा भाई यहाँ से पांच कितना बचा पांच तो आप बोलोगे कि सोलह दिन काम तो हो ही चुका था पांच आपका रिमेनिंग वर्क है और करने कौन आ रहा है बताओ नमन तो नमन के ऑप्शन कितनी है सात तो सोलह सही पांच बटे सात आपका राइट आंसर होना चाहिए सोलह सत्तर एक सौ बारह एक सौ बारह पांच एक सौ सत्रह बटे सात आपका राइट आंसर बनेगा है कि कहीं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right आंसर ठीक ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right आंसर है है जो आई आई किसकी नमन की है किसकी दोस्तों ये नमन की क्योंकि अब सौ सत्रह दिन काम करने कौन आता नमन आता ठीक है भाई चलिए समझ में आया क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज एंड एन ट्वेंटी फोर डेज दे बिगिन टूगेदर बट एम लीव वर्क सिक्स डेज बिफोर द कंप्लीट कंप्लीशन इफ ऑफ द वर्क फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द इंटायर वर्क ये आपसे पूछा गया है ठीक है तो बोल रहा है कि एम एक कार को बारह दिनों में करता है एम एक कार को बारह दिनों में करता है एन उसी कार को चौबीस दिनों में करता है ठीक है तो देखो सबसे पहले निकाल लो ये हो चौबीस बारह दिन चौबीस चौबीस एकम चौबीस क्लियर है क्या तो एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के छह दिन पहले एम छोड़ देता है कितने दिन पहले छह दिन पहले एम ने कार छोड़ा सिक्स डेज बिफोर एम ने कार छोड़ा कितना सिक्स डेज बिफोर तो आप मुझे बताओ एम ने अगर छह दिन पहले काम छोड़ा तो हम क्या काम कराते बताओ हम जितने दिन काम छोड़ता है उसको उतने दिन काम और कर लेते एम का अगर आप देखोगे तो कितना एप्सेंस दो छः दुनी बारह बारह काम हम उसमें और ऐड कर देंगे तो कितना ऐड हो गया देखो बारह ये हो गया आपका छत्तीस काम ठीक है अब काम कौन करेगा दोनों मिलके करेंगे तो बताओ दो और एक तीन तो कितना हो जाएगा आपका बारह तीया छत्तीस ट्वेल्व डेज में आपका काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर

इन हाउ मेनी आवर्स विल दे डेकोरेट द दर्ल्ड वर्किंग ये बोल रहा है कि रवि एक दीवार को घंटे में सजा सकता है रवि एक दीवार को घंटे में सजा सकता है जबकि अंकिता उसी दीवार को दस घंटे में सजा सकती है एक साथ मिलकर कार्य करते हैं को कितने घंटे में सजाएंगे तो आप बोलोगे सर ऐसे में आ गया तीस ये हो गया छह पंच दस या तीस तो बताओ तीस रवि और अंकिता तो कितना जाएगा तीस बटे जाएगा आठ यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन जैसे दे रखा वैसे आपको करना पड़ेगा चलिए थोड़ा सा और काट लीजिए दो चौके आठ दो चौके आठ ये होगा पंद्रह बटे चार आपको किसमें निकालना है इसको अवर में निकालना है तो आप बोलोगे चार तिया बारह चार तिया बारह एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर पूरा करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है भाई आई बात समझ में अरे आया कि नहीं थे? बढ़िया ना अगर ऑप्शन में कुछ और होता तो हम चेक करते क्योंकि ऑप्शन चार तीन पूरा पूरा है नहीं चार तरफ जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर एक ही आपका फिट बैठ रहा है यदि अठारह श्रमिकों को एक सड़क को पंद्रह घंटे में बना सकते हैं बोल रहा है अठारह श्रमिक अगर एक पंद्रह घंटे में एक सड़क बना सकते हैं उसी सड़क को नौ घंटे में बनाने के लिए उसी सड़क को नौ घंटे में बनाने के लिए कितने और समय की आवश्यकता होगी पहले अठारह काम कर रहे थे अब अठारह प्लस मान लो एक्स और व्यक्ति लगेंगे क्लियर है क्या काम पूरा भैया तो टोटल वर्क अपने बराबर कर दी क्या बराबर कर दी टोटल वर्क वन बराबर टोटल वर्क टू क्लियर है क्या आगे बात समझ में अब देख लो भाई ये हो जाएगा नौ दुनी अठारह पंद्रह दूनी तीस तीस में से गए अठारह एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा आपका बारह तो कितने व्यक्ति और लगेंगे बताओ बारह व्यक्ति और लगेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ठीक है आगे बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 20 men can earn 520 in 7 days how much money will 18 men earn in 10 days ये बोल रहा है कि बीस आदमी 6 दिन में ₹520 अर्जित करते हैं 20 आदमी 6 दिन में कितने रुपए ₹520 अर्जित करते हैं यदि 18 आदमी दस दिन में कितना धन अर्जित करेंगे ठीक है भाई एम डी एच वाला फॉर्म लग रहा हर जगह तो आपने बोला छह्री अठारह ठीक है जीरो से ये जीरो भी गया और कुछ जा रहा है कि बताइए और कुछ जा नहीं रहा है तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों आपका हो जाएगा तीन दूनी दो सौ और काट लो उसको दो से कट जाएगा दो दुनी चार दो छिक्के बारह छब्बीस तिया एक्सुक हो जाएगा छत्री अठारह काट बजे सेवन टू सात सौ अस्सी रुपया राइट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं आपके दिक्कत ही नहीं है ना? है ना चलिए देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए ए एंड बी टुगेदर कैन कैन इन इन डेज इट छब्बीस दिनों में पूरा करते हैं अकेला इस कार को बावन दिनों में पूरा करता है देखो ए और बी मिलकर बोल रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को छब्बीस दिनों में पूरा कर रहे हैं और बी ए अकेला कौन ए अकेला उस कार्य को बावन दिनों में पूरा कर रहा है तो बताओ कितना जाएगा छब्बीस दूनी बावन छब्बीस दूनी बावन बावन एकम बावन क्लियर है क्या बढ़िया फिर क्या बोल रहा है यदि बी पचास परसेंट एफिशेंसी पर काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे तो आप बोलोगे सर ए और बी मिलकर निकालना आपको तो बावन आपका टोटल वर्क है देखो फिफ्टी परसेंट पे तो A की ऑप्शनसी देखो यहाँ पे अगर हम बी की एक की ऑप्शनसी तो एक निकल के आ ही गई है बी की भी कितनी निकलेगी बताओ एक दो में से एक गए एक ये बोल रही है पचास परसेंट पर काम करें मतलब कितना हो जाएगा एक है और ये जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो कितना हो जाएगा दोनों मिलकर करेंगे तो तीन दोनों मिल के बोला है ना ठीक है तो कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव हो जाएगा टोटल मिलकर करेंगे तो कितना वन पॉइंट फाइव मतलब तीन बटे दो क्लियर है क्या तीन तीन बटे दो सॉरी

एंड हंड्रेड मैन आफ्टर थर्टी फाइव डेज एंड कम्प्लीट द कंस्ट्रक्शन दूटेड टाइम इफ ही हैड नॉट इम्प्लॉयड द एडिशनल मैन ठीक है हाउ मैनी डेज बिहाइंड शेड्यूल्ड वुड द स्कूल बिल्डिंग है एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नए विद्यालय भवन बनाने का निर्माण करता है मतलब टोटल टारगेट कितना था बताओ उसको चालीस दिन में बना के देना है भाई ठीक है वह शुरुआत में सौ आदमी वह शुरुआत में सौ आदमी और शुरुआत में सौ आदमी और पैंतीस दिनों के बाद अन्य सौ आदमी को नियुक्त करता है तो आप क्या काम करो पहले निकाल लो टोटल वर्क है ना तो पहले निकाल लो टोटल वर्क की टोटल काम कितना रहा होगा शुरुआत में सौ आदमी देखो शुरुआत में सौ आदमी थे पैंतीस दिनों के बाद तो सौ आदमी ने कितने लोगों ने कितने दिन काम किया बताओ थर्टी फाइव क्लियर है क्या फिर क्या बोल रहा है अन्य सौ आदमी और नियुक्त किए मतलब कितने दो सौ और इन्हने काम कितने दिन किया बताओ टोटल काम था चालीस दिन का पैंतीस दिन आपके हो गए तो टाइम आपको पता है फिक्स है पाँच दिन तो पाँच आपने और कर दिए कितना हो गया भाई कितना हो गया भाई दो सौ इंटू पाँच तो कितना हो गया देखो ये पैंतीस सौ और दो पाँच दिन दस एक हजार मतलब कितना काम हो गया टोटल पैंतालीस सौ आपका काम हो गया क्लियर है पैंतालीस सौ काम हो गया अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि यदि उसने अतिरिक्त आदमी को काम पर नहीं लगाया होता जो आपने अतिरिक्त कितने लगाए थे सौ अगर उनको नहीं लगाया होता तो निकाल लो तो कितने दिन में काम होता बताओ फिर आपका काम होता दोस्तों फोर्टी फाइव डेज में कितने दिन में काम होता

को तो नियुक्त करता है और निर्धारित समय से भीतर निर्माण पूरा करता है ठीक है तो आप इसको एक मेथड से और कर सकते हैं पर मुझे लगता है ये मेथड बेस्ट मेथड है दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है भाई आई बात समझ में चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द टाइम टेकन बाय अंजलि टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज फोर टाइम्स द टाइम टेकन बाय रोहन एंड द थ्री टाइम्स द टाइम टेकन बाय जॉन इफ ऑल थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर इट टेक्स देम 4 डेज टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच द हाउ मच टाइम रॉन अलोन टू टेक टू फिनिश द वर्क ये बोल रहा है अंजलि द्वारा एक कार को पूरा करने में लिया गया समय रॉन द्वारा लिए गए समय का चार गुना है और जॉन द्वारा लिए गए समय का तीन गुना है ठीक है भाई तो हम क्या काम करेंगे यहाँ लिखा भाई हमने अंजलि यहाँ हो जाएगा रॉन हो जाएगा जॉन क्लियर है क्या बढ़िया बात है क्या बोल रहा है देखिए जो अंजलि द्वारा लिया गया समय याद रखो ये समय का अनुपात है भाई हमारे पास जो भी आएगा ठीक है तो बोल रहा है रॉन द्वारा लिए गए समय का चार गुना रॉन द्वारा समय, समय और, तो 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 और ये होना चाहिए चार चार तीया बारह क्लियर है क्या ये समय का अनुपात निकल गया अगर ये समय का अनुपात बताओ यहाँ से तो आप वो भी निकाल सकते हो क्या आप यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बारह ये हो जाएगा बारह एक बारह से निकल गई ये हो गई ती चौके बारह

आंसर कितना जाएगा आठ दिनों में पूरा करेगा बताइए क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया अब बोलो कि सर बिल्कुल आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सुमन एंड अरुण टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज अरुण एंड राहुल इन 48 डेज एंड राहुल एंड सुमन इन 80 डेज देन राहुल सुमन एंड अरुण ज्वाइंटली कैन फिनिश द सेम वर्क 96 में करते हैं। राहुल अरुण और, और राहुल, राहुल, राहुल सॉरी अरुण और राहुल इस काम को करते हैं भाई 48 एट डेज में और सुमन राहुल और सुमन इस काम को करते हैं 80 दिनों में ठीक है चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपको सबसे पहले एल निकालना है बस आपके लिए यही टास्क है चार सौ अस्सी छियानवे और अस्सी चार सौ अस्सी चार सौ अस्सी छियानवे देखो छियानवे का अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करने गए तो नाइनटी सिक्स में अस्सी का भाग नहीं जाता तो अस्सी के भाग के लिए इसमें क्या चाहिए ज़ीरो चाहिए छः दुनी बारह में आएगा नहीं तीन दुनी छह तीस अठारह में आएगा है ना अगर इसको आप नंबर लेके चल रहे हो बना तो, तो पंच के तीस का सुन बचा तीन पाँच पैंतालीस सौ तीन अड़तालीस देखो चार सौ अस्सी इसका एलसीम होना चाहिए कितना एलसीएम होना चाहिए दोस्तों चार सौ अस्सी इससे देखो कितने बार जाएगा ये पाँच बार तो इसके एफ सेंसी हो होगी ये कितने बार चल जाएगा दस बार और आठ से अड़तालीस ये छः बार ठीक है सही है है ना आप चाहो तो प्राइम फैक्ट्राशन मेथड से कर सकते हो दिक्कत वाली बात नहीं वो हमने एलसीएम में सीख चुका है ठीक है भाई आप देखो यहाँ से तो आपको पता है ये कितना होगा बताओ ये दो बार होता है आपको समझ में आता होगा यहाँ से तो आप यहाँ से कर लो कितना और ये हो जाएगा आपका कितना दस ये हो जाएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टू क्लियर है क्या आपको निकालना क्या है लगभग कितने दिनों में पूरा करेंगे तो चार सौ अस्सी डिवाइड बाई इक्कीस इंटू मै दो यही होगा बिल्कुल होगा ये हो जाएगा आपका नाइनटी सिक्स नौ सौ साठ अपॉन में इक्कीस होगा नहीं होगा बिल्कुल होगा अभी आपको देखना अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है तो आप बोलो पांच बार तो कर नहीं पाओगे चार ही बार मल्टीप्लाई करोगे ठीक है

एस एस जी के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं मतलब ऐसे हलवा क्वेश्चन भी नहीं आए कि उठाए और कर ली तुरंत अभी जितने भी टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें मुझे जो लग रहा है कि टैमिन वर्क के क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आए हैं मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल जैसे आपके मैंसुरेशन में क्वेश्चन आ रखे थे जैसे एल में क्वेश्चन आ रखे थे वैसे नहीं आए हैं भाई ठीक है जैसे रेशो में क्वेश्चन थे वैसे नहीं आए हैं क्वेश्चन थोड़ी बहुत ठीक ठाक लेवल के हैं तो एक बार आपको उनको प्रैक्टिस करना बनता है ठीक है अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक मैंने ज्यादा नहीं बोला पर इस टॉपिक टाइम एंड वर्क के आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जरूर जाए यहाँ के क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से समझ में आता है कि लेवल अच्छा खासा और आ सकता है नौ व्यक्ति एक काम को अठारह दिन में करते हैं नौ व्यक्ति नौ no मैन एक काम को अठारह दिनों में करते हैं हम मान के चलते हैं कि एक मैन की जो क्षमता है वो कितनी बताइए एक अब बोल रहा अठारह व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे जो दोगुनी क्षमता के हैं तो भाई अठारह व्यक्ति तो हैं ही और मैन की जगह क्या कर दीजिए दो क्योंकि यहाँ पे दोगुनी कितने दिनों में करेंगे ये आपसे पूछा गया तो बस क्वेश्चन खत्म ठीक है चलिए तो आप बोलोगे सर अठारह से अठारह गया नौ बटे दो नौ बटे दो दिन में ये काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर तो बिल्कुल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कट ऑफ हो ये क्वेश्चन तो आसान था ठीक है पर आसान क्वेश्चन इसमें कम मिल रहे हैं देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 डेज में कर पाते हैं अखिल साहिल एंड अमित कैन डू अटन वर्क इन 64 डेज तो क्या बोल रहा है देखिए अखिल है साहिल है एंड अमित है ये काम को 64 डेज में करते हैं अब बोलो बढ़िया बात है। जबकि अखिल और साहिल जबकि अखिल और साहिल सेम काम को तो पहले क्या बोला था ना अखिल साहिल और अमित इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दो ए एम कर दो ठीक है ये अखिल और साहिल और अमित वाला क्या है ए एम है अखिल और साहिल समान कार्य को अस्सी दिनों में कर रहे हैं देखिए सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है चौंसठ और अस्सी देखिए अस्सी को अगर आप एलसीएम माने दोस्तों अस्सी को अगर एलसीएम माने तो कितना चौसठ से तो भाग जाएगा नहीं अस्सी को और भाग दें तो कितना आठ दूनी सोलह एक सौ सो साठ में भाग नहीं जाएगा चौबीस दो तो सौ चालीस में भी चौसठ का भाग नहीं जाएगा तीन सौ बीस में, में आप देखो तो आराम से भाग जाता है हैत्तीस अठापना चालीस पांच बार भाग जाएगा ठीक है यहाँ कितना जाएगा चार बार क्लियर है क्या एफ कितनी आगे बताओ पांच और चार बढ़िया अब क्या बोल रहे हैं अमित उसी कार को कितने दिन में करेगा तो देखिए ये अमित है आपका कितना आ जाएगा बताओ अमित की एफेंसी आ जाएगी दोस्तों वन तो तीन सौ बीस दिन में करेगा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आए कि नहीं आया समझ में बिल्कुल आया होगा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए इज टॉइज एज एफिस एज बी ठीक है

अब क्या बोल रहा है एक कार को पूरा करने में बी ए से पैंतालीस दिन का कम समय लेता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये एफिशिएंसी बताओ टाइम कितना हो जाएगा तो टाइम आपका लेगा कितना वन रेसो टू लेगा नहीं लेगा आप बोलोगे बिल्कुल लेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि एफिशिएंसी इन्वेस्टिंग प्रोपोर्स होती है टाइम के एफिशिएंसी के रेशो अगर दो अनुपात तीन है तो टाइम का रेसो तीन अनुपात दो हो जाएगा इसका उल्टा भी सही है टाइम का रेसो तीन अनुपात दो है तो एफिशिएंसी का रेसो दो अनुपात तीन हो जाएगा ठीक है भाई पहले ही बता दिया था चलिए तो आपसे क्या बोल रहा है कि पूरा करने में बी जो है एस आ, एक कार को पूरा करने में बी से पैंतालीस दिन कम कम समय लेता है तो इससे फोर्टी फाइव डेज कम ले रहा है ठीक है इससे फोर्टी फाइव डेज कम ले रहा मतलब कितना कम ले रहा एक ले रहा एक, ले रहा। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ पैंतालीस की पैंतालीस तो ये हो जाएगा पैंतालीस दिन हो तो जाएगा पैंतालीस दुनी नब्बे दिन क्लियर है कि आगे बात समझ में तो ये निकल गए इनके डेज तो बोल रहा है उन दिनों की संख्या ज्ञात की जिनमें वो एक साथ कार को पूरा करेंगे तो आप बोलेंगे एक हो गया नब्बे एक हो गया पैंतालीस पैंतालीस और नब्बे ये ए हो गया और ये बी हो गया ठीक है तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं पर ठीक है डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए नब्बे पैंतालीस दूरी नब्बे नब्बे एकम नब्बे तो कितना हो जाएगा नब्बे और दो और एक तीन ठीक है ए और बी का देखेंगे तो कितना आ जाएगा दो और एक दिख रहा है ना दिख रहा बिल्कुल हाँ हमने तो निकाल लिया डेज कितना हो जाएगा थर्टी डेज कितना जाएगा दोस्तों थर्टी डेज ठीक है आगे बात समझ में चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए एंड एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज डेज 27 में बताइए अठारह दिनों में बी बता बताइए कितने दिन में कर रहा बोलोगे सत्ताईस दिनों में एलसीम कितना बताओ ये हो जाएगा अठ सताइस दूसरी चौवन मतलब अठारह अठारती चौवन और सत्ताईस दूनी चौवन क्लियर गई आपकी निकल गई भाई वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं अब बोलो बढ़िया बात है और आठ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है तो मतलब आठ दिन तक दोनों ने काम किया होगा ए और बी ने तो देखो आठ दिन तक काम किया होगा भाई इन दोनों कैप्शन से कितनी तीन और दो पाँच चालीस काम इन लोगों ने कर लिया होगा तो चालीस काम हम क्या काम करते हैं घटा देते हैं चालीस काम अगर हम इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ चौदह काम ये हो गया आपका रिमेनिंग वर्क ये हो गया आपका शेष काम होगा नहीं होगा आप बोलोगे बढ़िया बात है तो आप कौन करेगा शेष काम को बी करेगा तो बी कितने दिनों में करेगा तो आप बोलोगे सर चौदह बटे दो मतलब कितना जाएगा सात दिनों में कर लेगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा दोस्तों राइट right आंसर इतने क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं कि अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं ठीक है अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात तो और नहीं भी पढ़ा तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फोर्टीन मैन कैन बिल्ड्टी फाइव मीटर लॉन्ग वॉल इन फाइव डेज वाट लेर वॉल कैन डू बिल्ड बाई ट्वेंटी

लंबी दीवार वो और बना देंगे क्लियर है क्या ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दोस्तों राइट right आंसर तो बहुत आसान है एम डी एच भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक ए दे रखा है और क्या बोल रहा है हाउ मेनी डेज कैन डू टुगेदर बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया मतलब आसान क्वेश्चन ये है जीडी डी लाइक का क्वेश्चन ए और बी मिलके के बारह दिन में कर रहे हैं भाई काम को आप बोलोगे बढ़िया बात है बी और सी भाई कर रहे हैं कितने दिन में पंद्रह दिन में फिर बोल रहे हो सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं तो आप बोल रहे हो बीस दिन में सबसे पहले उठ के क्या निकालोगे इसका एल्सियम कितना आएगा बताओ साठ बोलोगे बारह पंच साठ पंद्रह चौके साठ और बीस दिया साठ करोगे नहीं करोगे बिल्कुल अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन कुछ बचा क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है यहाँ पे कितना आता है ए प्लस बी प्लस सी हम बात कर रहे हैं क्षमता है की बहुत बार हो चुका है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कितना है भाई ये हो जाएगा बारह बारह बटे दो हो जाएगा मतलब कितना आगे क्षमता बताओ आपसे क्या पूछ रहा है वो कितने दिनों में कार को समाप्त कर लेंगे तो आप बोलेंगे साठ बटे छह मतलब दस दिनों में कार समाप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्लियर है क्या ठीक है ये सेम का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने शायद बेसिक में भी देखा था आगे बात समझ में तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए एक कार को चार दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे आठ दिनों में कर सकता है ए कार शुरू करता है और दोनों दिनों में करते हैं एक दिन ए दूसरे दिन बी तो कार कितने दिनों में पूरा होगा ये भी आपका जी लेवल का क्वेश्चन है शायद हमने इतना ही आसान क्वेश्चन पहले भी देखा था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन फोर डेज बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एट डेज इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज तो बोल रहा बिगिनिंग देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों बोल रहा है कि ए एक कार को चार दिन में कर रहा है बी उसी कार को आठ दिनों में कर रहा है तो आप बोलो कि सबसे पहले ले आ गया आठ, चार दुनिया, आठ, आठ है, कम आठ, क्लियर है क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या बोलोगे नहीं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं फिर इसके बाद देखो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि कार की शुरुआत कौन कर रहा है ए तो स्टार्ट काम का कर रहा है कौन ए काम कौन स्टार्ट कर रहा है भाई ए क्लियर है क्या ठीक है फिर बोल रहा है ए काम चालू करेगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा और दोनों एकांतर दिन एक दिन ए दूसरे दिन बी बताओ एक दिन ए आएगा तो दो काम करेगा एक दिन बी आएगा तो एक काम करेगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा मतलब बताओ दो दिन में टू डेज में काम कितना कर रहा है बताइए थ्री यूनिट वर्क कर रहा है कितना यूनिट थ्री यूनिट वर्क कर रहा है तो आप समझिए कि टू डेज में टू डेज में काम जो हो रहा है दोस्तों कितना हो रहा है थ्री यूनिट भाई आपको कितने यूनिट काम कराना है आठ यूनिट आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो कितने में दो में तो भाई तीन दुनी छह यूनिट आपका काम हो चुका है कितने दिनों में तो बोलोगे चार दिनों में फोर डेज में आपका कितना काम हो गया छह यूनिट अब मुझे बताओ पांच बी मतलब पांचवे दिन कौन काम करने आएगा तो बोलोगे फिर से ए आएगा तो ए आएगा काम कितना बचा है दो ए अगर आएगा तो ए कितना काम कर देगा दो काम कर देगा दो ही काम तो चाहिए था तो काम आपका कंप्लीट हो गया है फाइव डेज में तो आंसर कितना जाएगा बताओ फाइव डेज यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या बताओ समझ में आया बिल्कुल आया होगा गए इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी आ जाइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज

फिर बोल रहा है भाई कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर ले रहा है एक सौ चालीस दिन में तो बताओ सबसे पहले तो एलसीएम कितना होगा आप बोले सौ तो हो गया ही होगा और सौ में सात छुपा हुआ है सौ तो बीस में सौ आ गया तो बस सात छुपा सात सौ आपका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा सात सौ आप प्राइम फैक्टाइसन मेथड से भी कर सकते हैं तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टी फाइव होगा नहीं होगा बिल्कुल ये हो जाएगा सात और ये हो जाएगा आपका पाँच नहीं होगा बिल्कुल होगा ठीक अब देख लीजिए क्या बोल रहा है बोल रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेगा तो हमें ए और सी की क्या चाहिए क्षमता ठीक है जी यहाँ देखो बी की क्षमता पता चली गई पाँच अगर बी की क्षमता यहाँ पाँच है तो ए की क्षमता कितनी आ गई बताओ तो ए की एफिशिएंसी आपकी आ चुकी है कितनी तीस अगर ए की तीस आ गई तो बताओ यहाँ से बी किसकी आ गई ए की आई है अभी ना ठीक है तो बी के यहाँ रख दो ए और सी की चाहिए ना बी के अगर यहाँ पाँच रख दिए तो वहां जाकर कितनी हो जाएगी दो तो भाई ए की क्षमता आ गई थी कितनी तीस और बी सी की क्षमता पूछ रहा है ना बीस मतलब नहीं बी की दे रखी सी की एफ एनसी कितनी आएगी बताओ अगर बी की क्षमता यहाँ रखोगे तो सी की आ जाएगी दो नहीं आएगी बिल्कुल आएगी फिर से देख लो एक बार आपको ए और सी का निकालना है तो ए की क्षमता कितनी होगी देखो तो बी अगर पाँच है तो ए अगर आपने यहाँ पाँच रख दिया नहीं बी अगर आपने पाँच रख दिया तो ए कितना आ गया तीस आ गया सी की क्षमता निकालना बी पाँच रखा सात में पाँच दो सी सही है भाई यहाँ तक तो आपको निकालना ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो आपने बोला टोटल वर्क है आपका सात सौ और बंदे दोनों है तीस इंटू दो बत्तीस आपका राइट आंसर होगा अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देखिए चार से काट लो चार अठे बत्तीस चार एकम चार अट्ठाइस और चार पंचे एक सौ पचहत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा वन सेवेंटी फाइव बाई इतने दिन में काम कर लिया जाएगा ठीक है भाई चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी एंड सी

बोल रहा है ए एक कार को कमस बयालीस तो भाई ए कर रहा है कितने दिनों में बयालीस में बी कर रहा है भाई कितने 56 दिनों में छप्पन दिनों में ठीक है छप्पन दिनों में और सी कितने दिन में कर रहा है बताइए तिरसठ दिनों में अब बोलोगे बढ़िया बात है तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा आप देखो यहाँ पे ये यह है भाई सात छह बयालीस ये है सातों आठ छप्पन और ये है आपका सात नौ के तिरसठ तो सात तो आएगा ही आएगा नौ भी आएगा ठीक है और आठ भी आएगा तो कितना हो जाएगा देखो आठ नौ के बहत्तर 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 इंटू सात सात सौ उनचास सात उन पचास एक सात उनचास पचास पाँच सौ चार आपका एलसीएम बनेगा कितना बनेगा पाँच सौ चार क्लियर आई बात समझ बताओ ठीक है तो आप बोलोगे कि कितना बचेगा देखो तो सात छिंग पाँच सौ चार आठ नौ के बहत्तर बहत्तर इंटू सात तो सात छिंग बयालीस बयालीस है आपका ये कितना है सात इंटू छः सात इंटू छः सात इंटू छः यहाँ से तीन 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 या नौ था तो एक तीन बाहर निकलेगा यहाँ पे दो चार दूनी आठ तो देखो दो गया और सात छिंग बयालीस तो कितना चार ती बारह ठीक है बारह दूनी चौबीस का चार बचा बारह दून चौबीस का चार बचा दो बारह चौबीस पचास ठीक है अब बात आती है छप्पन की छप्पन देखो सातों छप्पन तो सात और छप्पन बचेगा कितना नौ ठीक है ये तिरसठ सात नौ के तिरसठ सात नौ के तिरसठ बचेगा कितना 8. क्लियर है कि? ये आगली भाई कहानी अब क्या बोला जा रहा है देखो आपसे अब बोला जा रहा है आपसे कि अब आपको पता है इसके बाद क्या करते हो लेकिन ए ने काम पूरा होने से दस दिन पहले तो ए ने कितने दिन बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आया आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आया बिफोर वाला भाई कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा बताइए बिफोर वाला ठीक है तो ए का देख लो पहले ए के वर्क निकाल लो ए ने काम पूरा होने के दस दिन पहले दस दिन पहले छोड़ा और ए की ऑप्शन से कितनी बताइए बारह मतलब कितना काम भाई एक सौ बीस काम पता है जोड़ते हैं ठीक है ये सबको पता है कि हम जोड़ते हैं फिर बताओ जबकि बी ने काम पूरा होने से बारह दिन पहले तो बी ने जोड़ा है कब बारह दिन पहले बारह दिन पहले बारह की ऑप्शन बी की ऑप्शन कितनी बताओ नौ बारह नब्बे एक सौ इसको भी आप जोड़ोगे टोटल कितना जोड़ोगे बताओ आठ दो और दो तो दो तो दो तो दो तो सौ तो अट्ठाईस तो आप तो जोड़ोगे तो ठीक है तो कुल कार कितने दिनों में होगा तो आप इसमें ऐड करोगे भाई दो सौ अट्ठाईस क्या ऐड करोगे टू टू एट तो बताओ कितना आ जाएगा आठ चार बारह का दो बजाए एक दो तीन पाँच और दो सात सात सौ बत्तीस आएगा नहीं आएगा बोलोगे बिल्कुल आएगा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है भाई चलिए तो अब बोल रहे हैं कितना काम करेगा तो आप बोलोगे सात सौ बत्तीस अपौन में कितना हो जाएगा बताओ बारह आठ बीस और दो उनतीस आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है तो आपको ये तो पता है सेवेंटी थ्री है तो भाई दो बार तो जाएगा है ना ठीक है तीस दूनी साठ तो होता है तो दो चला जाएगा साठ तीस दूनी साठ तो साठ 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 फिफ्टी एट कितना हो जाएगी फिफ्टी एट तो ये दो बार जाएगा फिफ्टी एट जलेगा फिफ्टी एट के बाद कितना बचेगा देखो तो आठ और दो एट दो कितना हो जाएगा साठ साठ और सत्तर तीन दो तीन पाँच पंद्रह बचेगा और आपको पता है ये कितना होगा पाँच पंद्रह पाँच बार लगभग जाएगा तो भाई आंसर कितना आएगा बताओ ट्वेंटी फाइव आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लियर है क्या ठीक है भाई आई बात समझ में चलिए दोस्तों तो यहाँ तक हमारे फिफ्टी क्वेश्चन हो चुके हैं तो हम बोल सकते हैं कि टाइम इंड वर्क में अच्छे खासे क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी करना है ठीक है जो क्वेश्चन में दिक्कत है उसको अलग से लिख के चलना है ठीक है अभी तक तो दिक्कत नहीं रही होगी पर इस टॉपिक में आपको अलग से लिख के चलना पड़ेगा ठीक है भाई चलिए तो शानदार तरीके से पढ़ते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर